Okay, so right time I announced, huh? Here I am. So yeah, I prefer talking about the launch first, but still I'm very excited about it, so I will answer your question. So this is an American series that I'm doing, and I'm very, very thankful about it. I never thought about it. Bollywood is the max you think about. You don't think about going to Hollywood and doing an American series. And I am very blessed, and I'm very, very excited, and I'm very nervous about it. I'm going to California. I'll be flying to shoot for this series. It's called My Way, and it's gonna come on BLK Prime. And that's all. I just need your blessings. There is no formula. ये मैं third time बोल रही हूँ और बस वही कि जो इतना सपोर्ट इतना प्यार देते रहते हैं लोग और टचवुड गाने सब इतने अच्छे होते हैं. ये गाना खुद इतना प्यारा है, इतना अच्छा है. जैसे मैंने कहा, वो एक बार सुन के आपका मन नहीं भरेगा, दोबारा से आप सुनोगे ही सुनोगे. तो हमारे व्यूज तो ऐसे डबल हो जाएंगे, यू नो. सो देयर इज़ नो फॉर्मूला, इज जस्ट द लव दैट यू गाइस गिव. एंड ऑफकोर्स अ बिग थैंक यू टू यू ऑल एज वेल. आप लोग खुद इतना प्रमोट करते हैं, और जैसे बाहर के अभी मौसम है उसके बावजूद आप लोग आए यहाँ पर. तो ऑफकोर्स अ बिग थैंक यू टू यू गाइस एज वेल. हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों साथ में बैठे थे और हम लोग म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे हम ओरिजिनल कर सकते हैं. तो पहले इसकी कॉम्पोजिशन बनी, उसके बाद हमने उसके हिसाब से लिरिक्स ऐड किए, क्योंकि कॉम्पोजिशन थोड़ी सी सैड रोमांटिक जा रही थी. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर उसमें लिरिक्स ऐड किए. तो प्रेरणा हमें कहीं से नहीं मिली. और जो डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें स्टोरी शेयर करी दो तीन, लेकिन हम लोग को गाने के हिसाब से जो फिट बैठ रहा था वो ये स्टोरी था. तो इसलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा आगे किया. और दिस व्हाट वेरिएशन एंड यू नो राइट दिस इज व्हाट इट इज. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हर, मतलब कोई आदमी यू नो ऐसे मिल नहीं रही है. सो यू नो आई डोंट गेट टू से दैट कि ये उससे ये मिल गया या वो मिल गया, या हमें वैरायटी देखने को नहीं मिली, या ये स्टोरी मिल गई या शॉर्ट मिल गया. आई डोंट सी एनी ऑफ माय शॉर्ट इज आल्सो रिपीटिंग इन एनी ऑफ माय एल्बम्स, व्हिच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट. कि सब अपने अपने में इतनी अच्छी तरह से पिक्चराइजेशन सबका हुआ है, शूट हुआ है, गाने बहुत अच्छे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑफकोर्स आप लोग भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि वो एकदम अलग थी और ये एकदम अलग तरह से शूट हुआ है. अभी मैंने बोला मैं कब ऊपर गया, आपने फौरन ऐसे किया ना. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट. ज़्यादा इनपुट मेरा लुक में ही होता है, बिकॉज आई थिंक बाकी सब चीज़ों को देखने के लिए टीम इतनी अच्छी होती है कि आपको किसी चीज़ में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. इसमें आई थिंक हर वीडियो में टीम वर्क इतना अच्छा होता है. मतलब अब मैं गाने में तो बोलूँगी नहीं, बिकॉज गाना इतना अच्छी तरह से लिखा था, म्यूज़िक एंड एवरीथिंग सुनने में इतना अच्छा. एंड देन ऑफकोर्स हमारे डायरेक्टर, हमारे जो भी प्रोडक्शन, हमारी स्टाइलिस्ट खुद इतनी अच्छी, ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बस जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत लगता है मैं बोल देती हूँ, अदरवाइज़ आई थिंक सारी जितने भी टीम के एफर्ट्स होते हैं, टीम इतनी अच्छी, टचवुड माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होती है कि सच में बोल